भाग मीनाक्षी भाग भाग मीनाक्षी भाग दौड़ लगा रही थी। अरे वो सुप्रीम एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई उनकी, भाग लेखी भाग लिखा था उस पर। सुनिए, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पूरा देश आज कोशिश में लगा हुआ है, समय लगेगा, ये भ्रष्ट पार्टी है इसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के मुंडलाना में। गुरनाम सिंह चन्नी द्वारा आज यहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। बता दें कि लगातार जो है देश में पहलवानों के समर्थन में महापंचायतों का, खाप पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा के लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से एक के बाद एक खाप पंचायत हो रही है, लोग समर्थन में भी आ रहे हैं, लेकिन न्याय कहीं मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, न्याय तो निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि आज देश और प्रदेश की जनता जाग चुकी है। इस भाजपा के गुंडे सांसद, जो गोंडे का गुंडा ब्रजभूषण सांसद है, उसके जितने काले चिट्ठे थे वो आज जनता के सामने आ चुके हैं, उजागर हो चुके हैं। पिछले 38 मुकदमे तो इस सांसद के ऊपर हैं, जो लिखित हमारे पहलवानों ने भी एक लिस्ट जंतर मंतर पर लगाई हुई थी, उसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ था 38 मुकदमे जिस सांसद पर हो वो खुलेआम घूम रहा है। तो ये हमारे देश के लिए अपमानजनक बात है। और आज भी वो इतना गलत घिनौनी हरकत इन बच्चों के साथ, पहलवानों के साथ करके, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आज भी वो बीजेपी के सांसद के रूप में आज भी अपने घर पे विश्राम कर रहा है। आपने हाथ में पोस्टर भी लिया हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी को जेल में डालो। एक तरफ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर उन पर आरोप लगे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी की मांग है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा रही। नहीं, गिरफ्तारी तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। क्यों होगी? उसके कई कारण है। आज ये पहलवान अपने आप को अकेला ना सोचे। आज देश और प्रदेश की जनता, इन बच्चों ने जो हमारे देश के लिए किया, हमारे तिरंगे का जो ऊंचा उठाने का काम किया, हमारे देश को मेडल लाने का काम किया, आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर जितने भी घर हैं उनके अंदर इन बच्चों की आवाज़ हर महिला के कान तक पहुंच चुकी है, हर बुजुर्ग के सम्मान में आज इन बच्चों के साथ खड़ा हुआ है। और लगातार पंचायतें इन बच्चों के समर्थन में हो रही है, और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पे इस गोंडे के गुंडे सांसद को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, निश्चित तौर पे जाना पड़ेगा। सर, लगातार पंचायतें तो हो रही हैं, पंचायतों का निष्कर्ष कब निकलेगा? नहीं, जरूर निकलेगा, समय लगता है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पूरा देश आज कोशिश में लगा हुआ है, समय लगेगा, ये भ्रष्ट पार्टी है, इसके भ्रष्ट सांसद है। लेकिन इस सांसद को हम चेताना चाहते हैं कि आपने आज तक जितने भी गुनाह किए हैं उनका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा, और सत्य की हमेशा जीत होती है। ये आज आप देख सकते हैं, इतनी भीषण गर्मी के अंदर आप भी यहाँ मौजूद हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं, और पूरे देश के अंदर इन खिलाड़ियों के साथ जो भी कंधे से कंधा मिलाकर इनकी आवाज़ उठा रहा है, हम उन सब का सम्मान करते हैं, सभी नेतागण का सम्मान करते हैं। तो आज हमारा जो भी यहाँ से निर्णय होगा उसकी हम पालना करेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। पंकज जी, आपसे शुरुआत करूंगी, लेकिन नाबालिग को इंसाफ दो, आपके पड़ोस में एक पोस्टर है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आपको सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि जहाँ हमारे यहाँ बच्चियों को पूजने की परंपरा है, देवी माँ का स्वरूप दिया गया है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा यौन शोषण का आरोप लगने के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ये साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी असुरों के साथ थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर ये देव प्रवृत्ति के लोग होते तो नाबालिग बेटियां ने, जो जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, हम 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया, जब पूरा देश ओलंपिक के समय टकटकी लगाए बैठा था, तो ये देश हरियाणा की पवित्र भूमि पर मैं आज खड़ा हूँ। और मैं फिर से कहता हूँ कि हरियाणा के इन नाबालिग बेटियों ने, पहलवान बेटियों ने पूरे 143 करोड़ भारतीयों का सर जो है गर्व से ऊंचा किया। गोंडा का गुंडा जो तिहाड़ जेल में बंद था, जो दाऊद का करीबी है, जो झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने बहन मायावती को गुंडी कहा, और उसका पूरा का पूरा परिवार, चाहे वो कर्णभूषण हो जो WFI में उपाध्यक्ष है, उसका बेटा, उसका दामाद,
पूरा आप देखिएगा कुनबा आज WFI में है, मेडल की कीमत 15 रुपये आंकड़ा है, मतलब समझिए ये पूरे देश की बेइज्जती है, पूरे देश की कीमत ब्रजभूषण शरण सिंह ने 15 रुपये लगाया है। ये मेडल सिर्फ इन पहलवान बेटियों का नहीं है, ये मेडल हम 143 करोड़ भारतीयों का गर्व का मेडल है। उस मेडल को ये 15 से 20 रुपये में आंकना, इसका मतलब ये देशद्रोही है। वही मेडल जब खिलाड़ी बहाने गए थे तो उन्होंने कहा कि गए थे बहाने गंगा में और टिकैत को पकड़ा कर चले आए, मेडल बहाने से मुझे फांसी नहीं हो जाएगी। निश्चित तौर पर उसका कहना है सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे, जब प्रधानमंत्री का करीबी है, सरकार का करीबी है, इसलिए तो बोल रहा है। आपने उस बात की जिक्र नहीं की, बोला मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा कौन सा डर है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा क्या डर है कि यौन शोषण के आरोपी जो एक गुंडा मवाली जो तिहार में बंद था, जो दाऊद का करीबी है, ये पूरा देश पूछना चाहता है। ये तो गंभीर आरोप जैसा हम लगा रहे हैं कि खुद बोला ना कि मुंह खोलूंगा अब भूचाल आ जाएगा, कोई ज्वालामुखी है कि उसका मुंह फटेगा अब पूरा देश में भूचाल आ जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ब्रजभूषण शरण सिंह कि भाजपा आरएसएस के नेता उस शब्द पर नहीं बोल रहे, जब विदेश मामलों के मंत्री और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से पूछा गया तो एशियन बोल्ट और पीटी उषा की तरह भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग दौड़ लगा रही थी। अरे वो सुप्रीम एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई उनकी, भाग लेखी भाग लिखा था उस पर। सुनिए अब सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, महिला हैं और मंत्री हैं, तो उनको देश की पहलवान बेटियों के साथ खड़ा होना था। जो प्रधानमंत्री 15-15 दिन राज्य में चुनाव में दिल्ली के चुनाव में पर्चा बांट रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के पैरों में मेहंदी लगा है क्या, मुंह में रसगुल्ला है? इसरो और मित्रों जो इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम के फेंकता है, वो आज गूंगा बहरा कैसे हो गया? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर, खेल मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर, महिला बाल विकास मंत्री के आवास के चंद कदमों की दूरी पर देश की पहलवान बेटियों के साथ आजाद भारत में पहली बार गोरे अंग्रेजों की तरह बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई। तो तिरंगों के साथ कह रहे ना कि कार्रवाई होगी, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। अनुराग ठाकुर जैसे बोला था ना देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोला था ना, उस पर कोई कार्रवाई हुई? आप बताओ, वो जानता है कि कानून सब तमाम संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ की कठपुतली है, वो इसलिए तो FIR नहीं करा रहे, उन्हीं के इशारों पर FIR नहीं हो रही थी ना। आज पूरा देश और पहलवान बेटियों ने जब लड़ाई लड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार FIR हुआ। पास्को एक्ट में एक बात हम पूछते हैं, यही पहलवान बेटियाँ हरियाणा की नहीं होती, पाकिस्तान की होती, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप रहते या आप चुप रहते, नागिन डांस कर रहे होते? अगर यही बलात्कारी कोई मुसलमान होता, दलित होता, पिछड़ा होता, गरीब आदमी के परिवार का होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। आज ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों? स्मृति ईरानी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है, उनका भी एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें वो कहती नजर आ रही थी कि बलात्कारियों को तो मार देना चाहिए, लेकिन अब जब तमाम आरोप लगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखिए, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है तो खाद हो जाता है और चूल्हा में पड़ता है तो ईंधन होता है और दिमाग में पड़ता है तो अंधभक्त होता है। दिमाग में गोबर घुस गया, अंधभक्त हो गई। और अंधभक्तों का कमाल ये था कि ये कुलदीप सेंगर के साथ थे, अगर कुलदीप सेंगर के साथ नहीं होते तो पीड़िता के पूरे परिवार को जिंदा जलाया जाता। ये बहन मनीषा के साथ हाथरस में हुआ, तब भी ये बलात्कारियों के साथ थे, रात के अंधेरे में बहन मनीषा को जला दिया गया। ये चिम्यानंद के साथ थे, ये आसाराम के साथ थे। आप बताओ ना, ये अगर देश की बेटियों के साथ होते तो देश के बेटियों के साथ होता क्या? आज गुजरात में 42,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हैं, तब समझिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप समझिए कि ये बलात्कारियों को पता नहीं क्यों बचाते हैं। इनका एक नेता कर्नाटक में देख रहे हैं, मालिश के बदले में नौकरी दे रहा था। इनका मेघालय में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाड, जिसके यहाँ दारू के बोतल, कांडोम, जेलेटिन क्या क्या नहीं पकड़ा गया, उसको ये टिकट दिया। तो ये हमेशा कुकर्मी लोगों का गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कहते हैं पूरा देश आज खड़ा है। मैं भी बिहार से आया हूँ, भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा फैलाते कि हरियाणा की बेटी है, जाटों की बेटी, नहीं, ये पूरे देश की बेटी है।
इन्होंने जो मेडल लाया सिर्फ हरियाणा का और जाटों का सर्व गर्व से ऊंचा नहीं किया, सिर्फ एक अखाड़े की लड़ाई है ये भी बोला जा रहा है। नहीं भाई, हम भी भारतीय हैं ना, हम भले ही बिहार से हैं लेकिन हमारा भी तो सर्व गर्व से ऊंचा हुआ ना। हम क्या बिहारी भारत में नहीं है, पाकिस्तान में रह रहे हैं। मान सम्मान का बात है और पूरे भारत को अपने मान सम्मान बनाने वाली बेटियों के यौन शोषण के जो आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह गुंडा का जो है गुंडा, उसको जेल में जब तक नहीं डाला जाएगा पूरा देश सड़कों पर रहेगा। अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे लेकिन अब रैली को स्थगित कर दिया गया। अंगूर जो है ना, लंगूर जो है, अंगूर को नहीं पाया तो कहा है खट्टा था इसीलिए हमने ही कोशिश की, वहाँ कोई आया ही नहीं। टाई टाई फिस सारे साधु सारे, कुछ सुनिए 10-11 लाख लोग आने वाले थे सर, आप कहने कोई आया 11 लाख साधु है देश में? अरे है, आपके पास डाटा है? लोग भी आने वाले थे ना साथ ही साथ, फिर वही बात, कोई नहीं आने वाला था, कोई नहीं आया तो वो देखा कि मुंह में काली पोत कर चुल्लू पर पानी में डूबना पड़ना चाहिए। सुनो, जो इंसान है तो वो बलात्कारी के साथ नहीं जाएगा, यौन शोषण वाले के साथ नहीं जाएगा, गुंडा मवाली के साथ नहीं जाएगा। जो आप समझिए, लोगों ने साफ इनके पूरे इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि भाई वहाँ कोई नहीं जाएगा। और जिस हिंदू धर्म की बात कह रहे थे, हमारे यहाँ लड़की को पूजा जाता है क्या? नारी की जहाँ पूजा नहीं होता है तो वहाँ, जहाँ नारी का सम्मान नहीं है वहाँ असुर का वास होता है, तो वहाँ असुर लोग जा सकते हैं। जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं, न्याय मिलने में अब लग रहा है कि मिल पाएगा न्याय? वो दिन दूर नहीं जब न्याय मिल जाएगा। ये देश में संविधान है कि नहीं है? ये देश संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार FIR होता क्या? भाजपा नेता तो करा ही नहीं रहे थे, पूरी मोदी सरकार नहीं करा रही थी। तो आखिर मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा कोई वीडियो तो नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास जो अमित शाह और मोदी जी नहीं बोल रहे? कुछ तो बात रखना चाहिए ना। आरोप लगते ही जब पास्को एक्ट में FIR होता है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। पहली बार देखा गया है कि मोदी सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए 500 सिक्योरिटी गार्ड, दिल्ली पुलिस, CISF, CRP, RAF लगा दिया ब्रजभूषण के घर पर। और इन पहलवान बेटियों को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, देखिए घमंड देखिए भाजपा नेताओं का, हमारे ही वोट से हमने धरने को दिया बंदूक, हो गए हवलदार, हमने वोट दिया और हमारे ही वोट से हम ही को जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर यह संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार नहीं दिए होते तो आज हमारे साथ क्या होता? तो इसलिए निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा के इन बलात्कारी नेताओं से और भाजपा के इन बेईमानों से। पूरा हिंदुस्तान देश के बेटियों के साथ है, लहू का एक एक कतरा बहा देगा लेकिन बेटियों को इंसाफ दिला कर रहेगा। तमाम लोगों से हमने बात की और लोगों का यही कहना है कि न्याय की लड़ाई चलती रहेगी और तब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो इसी तरीके से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।